हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। विशेष आवश्यकता वाले बालकों में है अलाभान्वित तथा वंचित बालक, यानी किन्हीं कारणों से, किन्हीं चीजों से जो है जो वंचित रह जाते हैं बालक और शिक्षा जो है वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर एजुकेशन जिनको नहीं मिल पाए। और ऐसे जो बालक होते हैं इसके लिए जो गवर्नमेंट है वह भी हमारे प्रयास करती है। आप देखते हैं कि 25% जो सीटें हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जो है रिजर्व की जाती हैं, ठीक है, और बहुत कम जो है फीस इनके लिए रखी जाती है ताकि एजुकेशन जो है ये प्रॉपर तरीके से ले सकें, एडमिशन ले सकें। तो देखिए, जो बालक सामाजिक, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अलाभान्वित समुदाय से आते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, वंचित बालक कहते हैं, अलाभान्वित बालक कहते हैं। और सरकारी भाषा में यदि बात करें तो इनको हम क्या कहेंगे, कमजोर वर्ग का बालक कहेंगे, ठीक है, कि ये कमजोर वर्ग के, जो कमजोर वर्ग है वहां से ये आया है। जो सरकार के निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से भी नीचे की जो श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे बालक जो है वो अलाभान्वित बालक कहलाएंगे। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो देखिए मैंने जो आपको बताया तो वही इनकी विशेषताएं हैं। निम्न सामाजिक स्तर होता है इनका, जो इनका सामाजिक स्तर है वही निम्न होता है, इनको आगे के बारे में पता ही नहीं होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। निम्न सांस्कृतिक स्तर, यहाँ का जो सांस्कृतिक स्तर है, ऐसे बालक जो होते हैं जिनकी जो संस्कृति है वही इनको ये कहती है कि यहाँ इस एरिया में जो भी चीजें हो रही हैं इसी को तुम्हें करना है और यही तुमको सीखना है। यानी कि एक जो देखते हैं बड़े का जो बेटा है वो बड़े का ही काम करे, कुम्हार का जो बेटा है वो कुम्हार का ही काम करे, ठीक है। तो ये चीजें जो इनको पहले से ही सिखाई जाती हैं तो यही चीज इनके दिमाग में रहती है। निम्न आर्थिक स्तर, यानी पैसों के अभाव में भी जो बालक है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, और बाद में यदि आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत सुधरती भी है और ये एडमिशन लेता है तब तक थोड़ा सा पीछे रह जाता है सामान्य बालकों से। अमूर्त चिंतन का अभाव, तो ये जो है अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक होता है मूर्त चिंतन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको देखकर सोचना। अमूर्त चिंतन यानी कि हमें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है तो फिर उसके बारे में सोचना, तो अमूर्त चिंतन जो है वो ये नहीं कर पाते हैं। निम्न आकांक्षा का स्तर, इनकी जो इच्छाएं होती हैं वही कम होती हैं, इनको ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें जो है आईएएस ऑफिसर बनना है या हमें जो है अच्छा जो है टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, इनकी इच्छा ही नहीं होती है, तो इस वजह से जो है ये पीछे रह जाते हैं। अभिप्रेरणा और दूरदर्शिता का अभाव, तो इनको जो है प्रेरित करने वाला कोई नहीं होता है, दूरदर्शिता का अभाव रहता है, क्योंकि शिक्षा जो है वही व्यक्ति को दूरदर्शी बनाती है, ठीक है। तो इनको शिक्षा ही नहीं मिल पाती है जिस वजह से जो है भविष्य के बारे में ये नहीं सोचते हैं, आज के ही जो कार्य हैं वो करते हैं और इसी में अपना जीवन निकालते हैं। सीमित व अपर्याप्त बौद्धिक निष्पादन, तो इनकी जो बुद्धि का जो स्तर होता है वह भी निम्न होता है, बुरी आदतों से ग्रसित। अब देखिए, पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं तो उनको बहुत अच्छी जो है चीजें सिखाई जाती हैं, उनको जो नैतिक मूल्य जो होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, तो ये जो बच्चे होते हैं इन चीजों से वंचित रह जाते हैं और जिस वजह से बुरी आदतें जो है इनके लग जाती हैं, जैसे नशा करना है, चोरी करना है, तो इन आदतों से ये ग्रसित हो जाते हैं। अपने चारों ओर की घटनाओं से अनभिज्ञ, तो इन्हें कोई भी नॉलेज नहीं होती है, जब ये पढ़ाई ही नहीं कर पाते हैं और इस वजह से जो भी ज्ञान है जैसे कि न्यूज़पेपर के माध्यम से ले सकते हैं वो भी ये नहीं ले पाते हैं, और जिस वजह से चारों ओर जो भी घटनाएं हो रही हैं इन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है, उनसे ये अनजान रहते हैं। आत्म प्रेम से ये पीड़ित रहते हैं और इनके जो इमोशन होते हैं, संवेग जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं, यानी अपने संवेगों पर ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उपाय देखिए, सर्वप्रथम अमेरिका के शिक्षा शास्त्रियों ने इस पर कार्य किया और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 जो कि क्षतिपूर्ति शिक्षा का प्रत्यय जो है यह विकसित हुआ, और प्राक विद्यालयी शिक्षा का आयोजन किया गया जहां पर ऐसे जो वंचित बालक हैं इनको पढ़ाया जा सके, इनमें जो भी कमी रह गई है शिक्षा से संबंधित उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो याद रखें कि सबसे पहले अमेरिका के शिक्षा शास्त्रियों ने जो है यहाँ पर ये कार्य किया कि ऐसे जो बालक जो कि अलाभान्वित हैं, वंचित हैं, तो इनकी शिक्षा जो है जो कि कम रह गई है, पिछड़ गए हैं ये सामान्य बालकों से, तो इसकी पूर्ति कैसे की जाए, तो इसके लिए जो है इन्होंने क्षतिपूर्ति शिक्षा का एक प्रत्यय दिया,
और प्राक विद्यालयी शिक्षा का आयोजन किया, यानी कि विद्यालय में एडमिशन जो बच्चे लेते हैं उससे पहले की शिक्षा। क्लार्क निग्रो मनोवैज्ञानिक ने इन्हें सास्थानिक प्रजातिवाद कहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है उसकी भाषा में हम इनको क्या कहते हैं, कमजोर वर्ग का बालक कहते हैं। वहीं पर एक निग्रो जो है साइकोलॉजिस्ट रहे हैं क्लार्क, तो इन्होंने इनको क्या कहा है, सास्थानिक प्रजातिवाद। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है और एग्जाम में आ सकती है। समान बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, क्लार्क जो है इनका यही कहना है कि इनको जो है हम जो विद्यालयी जो शिक्षा होती है उससे पहले हम 1 वर्ष या 2 वर्ष जो है इनको हम शिक्षित कर सकते हैं ताकि सामान्य बालकों के समान ये आ जाए। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान, तो ये जो है सर्व शिक्षा अभियान, तो इसका उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर जो है सभी को समान भाव से जो है शिक्षित किया जाए। तो इसके लिए सरकार जो है कई योजनाएं चला रही है, निशुल्क शिक्षा योजना जहाँ पर बच्चों को फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। दोपहर भोजन योजना, यानी बच्चे जो हैं दोपहर का भोजन जो है वह खाने के लिए स्कूल में आते हैं और धीरे धीरे जो है उनको शिक्षा की तरफ जो है उन्मुख करना, ये उद्देश्य है सरकार का, ठीक है। कई जो है माता पिता जो कि बहुत ज्यादा गरीब हैं तो वो केवल बच्चों को इसलिए भेज रहे हैं पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भेज रहे हैं ताकि हमारा बच्चा जो है वहां पर खाना खा सके, भूखा ना रह पाए, ठीक है। लेकिन उद्देश्य क्या है सरकार का, कि सभी को जो है समान भाव से शिक्षित करना। थर्ड पॉइंट देखिए, 8वीं तक कोई फेल नहीं, यानी 8th क्लास तक जो है किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। फोर्थ देखें, सरकारी छात्रवृत्ति जो हम देखते हैं स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को, तो स्कॉलरशिप पाने के लिए बच्चे जो है अच्छे से अच्छी तैयारी करते हैं और पढ़ाई करते हैं जिससे कि अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकें, ठीक है। तो ये जो है अभियान जो है वो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, और आरक्षण जो है इसकी भी सुविधा जो है वह स्कूलों में दी जाती है, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। विद्यालयी आयु क्षतिपूर्ति योजना, अब देखिए ये सभी कार्य क्यों किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ताकि बच्चे जो है बीच में पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई जो है वो लगातार करते रहें, ठीक है। चाहे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो या जो है ऐसे समाज से वो आए हों जहां पर शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। विद्यालयी आयु क्षतिपूर्ति योजना, यानी कि विद्यालय की जो आयु है आयु के अकॉर्डिंग ही बच्चा जो है उस क्लास में एडमिशन ले, लेकिन बच्चा जो है किसी कारण की वजह से पिछड़ गया है सामान्य बालकों की अपेक्षा, तो ये क्षतिपूर्ति कैसे हो, तो ये योजना ये कहती है द्विभाषी शिक्षा का उपयोग, यानी कि दो भाषाओं का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए शिक्षा में। तो एक टीचर जो है उसका दायित्व रहता है कि सभी बच्चों को लेकर चले, कोई बच्चा यदि इंग्लिश मीडियम का नहीं है और इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ये वो हिंदी जानता है हिंदी भाषी है वो, ठीक है, तो उसको अच्छे से समझ में नहीं आएगा यदि टीचर जो है वो केवल इंग्लिश में ही बोलता चला जाए, उसको भी ध्यान में रखना है। तो जो शिक्षा है वह द्विभाषी होनी चाहिए। विशिष्ट योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं जो हैं वह भी चलाई गई हैं जिससे कि बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण कर सकें। विशिष्ट अभियान योजना, ऐसे बालकों के परिवारों को जागरूक कर बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा जाए। तो ये जो विशिष्ट अभियान योजना है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि ऐसे परिवार जो कि नहीं चाहते हैं बच्चे उनके पढ़ें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो आगे पढ़कर क्या करेंगे ऐसा सोचा जाता है, तो ऐसे परिवारों को ही जागरूक करना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि इनका भविष्य बन सके। सामुदायिक चिकित्सा, हीन भावना और पृथकीकरण को जो है दूर किया जाना चाहिए और प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक शिक्षकों को यहाँ पर रखा जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, विशेष योग्य बालक यानी स्पेशल चाइल्ड किसको कहते हैं हम, विकलांग बालक को कहते हैं, ठीक है। अब विकलांग शब्द जो है वो प्रयोग में नहीं लिया जाता है, इनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है ऐसा शारीरिक दोष होता है जिस वजह से जो है ये सामान्य बालक की तरह जो है कार्य नहीं कर पाते हैं। तो क्रो एंड क्रो का कहना है कि ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, तो ऐसे बालक को जो है हम विशेष योग्य या विकलांग बालक कहेंगे। यानी कोई जो बच्चा है जो कि अपाहिज है और कंपटीशन चल रहा है दौड़ का, तो सभी बालक जो है दौड़ में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, तो वो बालक जो है वहां पर उस दौड़ से वंचित रह जाता है क्योंकि वह पैर से अपाहिज है और सामान्य बालकों की तरह वो नहीं दौड़ सकता है। तो ऐसे बालकों को हम स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। भारत में प्रथम विकलांग विद्यालय जो है शाहदरा दिल्ली में स्थापित किया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा।
अब देखिए विशेष योग्य बालकों के भी प्रकार होते हैं, जहां मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, वहीं पर देखिए सबसे पहला है गामकहीनता, बालक की मांसपेशियों के विकास या पैरों के उचित उपयोग की अक्षमता के आ जाने से है। पैरों के जो है उचित उपयोग जो है उसकी अक्षमता के आ जाने से बालक वह कार्य नहीं कर सकता है जो कि सामान्य बालक करते हों। तो ऐसे बालक जो है इनको अलग नहीं रखना है क्लास से, क्या करना है, शैक्षिक प्रयास ये है कि उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इन्हें परेशानी ना हो, रैंप की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी एक बालक जो कि दौड़कर जो है फटाफट से अपनी क्लास में पहुंच जाता है यदि उसकी क्लास जो है वह ऊपर की साइड है, ठीक है, और दूसरा बालक जो कि पैरों से जिसको प्रॉब्लम है और वो नहीं पहुंच पाता है, ऐसे बालकों के लिए रैंप की व्यवस्था करनी चाहिए। कक्षा व्यवस्था जो है भूतल पर हो, यानी हो सके तो क्लास जो है वह बिल्कुल नीचे जो भूतल जो होता है वहां पर होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लेखन, अभिनय, हस्तकार्य आदि जो है इसका भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरे बालक हैं दृष्टिहीनता, चक्षु विकलांग बालक, जिनको देखने में प्रॉब्लम हो, वे बालक जो कम या बहुत कम देखने में असमर्थ होते हैं, ऐसे बालक को हम दृष्टिहीन बालक कहते हैं। तो देखिए दृष्टिहीन बालक जो है वह भी दो टाइप के हैं, आंशिक दृष्टि और दृष्टिहीन। आंशिक दृष्टि यानी कि कुछ जो है उनको कम दिखाई दे रहा है, हो सकता है उनको धुंधला दिखाई देता है। दृष्टिहीन बालक जिनकी दृष्टि ही नहीं है, यानी उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं, तो सबसे पहले है ब्रेल लिपि का प्रयोग। तो ब्रेल जो स्क्रिप्ट है ये एक तरह की ऐसी लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने के काम में प्रयोग में ली जाती है, और इस पद्धति का आविष्कार जो है लुई ब्रेल ने 1821 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1821 ईस्वी में किया था। ये खुद जो है नेत्रहीन थे, फ्रांसीसी लेखक थे लुई ब्रेल, वो खुद नेत्रहीन थे। तो फ्रांस में नेत्रहीन बालकों के लिए जो है एक इंस्टीट्यूट था, तो वहां पर जो है इनके पिता ने लुईस ब्रेल को जो है एडमिशन वहां दिलवा दिया, ठीक है, और उस स्कूल में वैलेंटीन हाउ द्वारा बनाई गई लिपि जो है उससे पढ़ाई होती थी, जो कि अधूरी थी, ब्रेल जो है उस उनको भी समझ में नहीं आती थी, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, उन्हीं के जो स्कूल है उन्हीं के इंस्टीट्यूट में एक बार फ्रांस की सेना के एक बड़े अधिकारी जो हैं वहां पर एक प्रशिक्षण के लिए आए, तो उन्होंने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी जिसको कहते हैं, इस लिपि के बारे में जो है लेक्चर दिया। तो ये जो लिपि थी ये कागजों पर अक्षर को जो है उभार कर बनाई गई थी, कागज पर जो अक्षर होते हैं उनको उभार कर बनाई गई थी। तो ये जो लिपि थी जिसमें पढ़ाया गया ये लुईस ब्रेल को जो है बहुत अच्छी लगी, और उनके जो है दिमाग में ये विचार आया कि जो ये इन्होंने जो प्रयोग में ली थी इसमें 12 बिंदुओं के 6-6 की दो पंक्तियां थी, तो लुई ने क्या किया कि 12 के स्थान पर 6 बिंदुओं का उपयोग किया। तो लुईस ब्रेल की जो लिपि है इसमें 6 बिंदु हैं, ठीक है, और इसी लिपि पर आधारित उन्होंने जो है इस लिपि को बनाया, और उसमें ना केवल विराम चिन्ह बल्कि मैथ के जो चिन्ह होते हैं, संगीत के जो नोटेशन होते हैं वो भी लिखे जा सकते थे। तो यही लिपि जो है वो आज वर्तमान में चल रही है। तो जब ये लिपि बनाई थी ब्रेल ने तो उस वक्त जो है ये 15 साल के थे, ठीक है, और 1821 से लेकर 1824 में जाकर जो है ये पूरी होती है, और ये लिपि जो है दुनिया के लगभग सभी देशों में प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद देखिए श्रव्य सामग्री का प्रयोग। तो ऐसे जो नेत्रहीन बालक होते हैं ब्रेल लिपि का प्रयोग के साथ साथ जो है श्रव्य सामग्री का प्रयोग भी करना चाहिए, जैसे कि टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, ताकि जो है वह हर चीज़ को जो है सुन सके, शिक्षक जो हैं उनके जो भी लेक्चर हैं उनको आराम से सुन सकें। टेप रिकॉर्डर यदि है तो यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो बार बार जो है उनको बैक करके भी सुना जा सके। वार्तालाप पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए जहां पर उन्हें चीज़ें जो है वो सुनाई दें। उभरे हुए मानचित्र का प्रयोग, यानी बच्चा जो है वो अपनी उंगलियों को फेर कर जो है उस चित्र को पहचाने और फिर उसके बारे में जो है ज्ञान ग्रहण करे, ठीक है। तो उभरे हुए मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए, अध्यापक को उचित प्रयास जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो है सामान्य बालकों को पढ़ा दिया है
अब इस बालक को जो है हम अलग से क्यों पढ़ाएं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उचित प्रयास जो है, जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो अपनाने चाहिए। प्रशिक्षित अध्यापक जो है उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि इस चीज़ में उन्होंने प्रशिक्षण लिया है कि जो दृष्टिहीन बालक हैं तो वो किस तरीके से पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे अध्यापकों की उचित व्यवस्था स्कूल में करनी चाहिए। थर्ड नंबर पर देखिए, वाक वादिता बालक, यानी कि वाक यानी बोलना, बोलने में बाधा। तो जिन बालकों को बोलने में कठिनाई हो उन बालकों को हम वाक वादिता बालक कहते हैं। तो ये कठिनाई जो है दो कारणों से होती है, एक तो शारीरिक दोष हो सकता है, दूसरा अर्जित दोष। शारीरिक दोष जो कि संभव नहीं हो पाता है कि ये ठीक हो सके, जैसे कि बेडोल जबड़ा है तो उसका जन्मजात है, मोटी जीवा है जिसको हम भारी जीव कहते हैं, बुरी बनावट है मुंह की जिस वजह से उसको बोलने में कठिनाई महसूस होती है, तो ऐसे बालक वाकवादिता बालक कहलाएंगे। अर्जित दोष यानी कि कोई बच्चे जो होते हैं जिनको बहुत जल्दबाजी होती है बोलने में, तो जल्दी जल्दी में जो है वह अशुद्ध बोलते हैं, तो ये जो है आदत बन जाती है, तो इस आदत को जो छुड़ाया जा सकता है, जैसे कि हकलाना है, तुतलाना है, तो संवेगों का जब तीव्र प्रवाह होता है इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अर्जित दोष जो है इसका जो है सॉल्यूशन है, बोलने की जो अशुद्ध आदत है बच्चे की इसको सुधारा जा सकता है। शैक्षिक उपाय देखिए, अभिभावकों द्वारा प्रेरित करना, यानी खुद जो माता पिता हैं वही बच्चे को जो है प्रेरित करें कि जो भी ये समस्या है तो ये सही हो जाएगी, या फिर ये जो समस्या है इसको अपनी पढ़ाई पर जो है हावी नहीं होने देना है, तुम जो है बहुत टैलेंटेड हो, इस तरीके से जो है बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। मनोचिकित्सक का परामर्श लेना, और समय समय पर जो मनोचिकित्सक हैं उनसे उचित सलाह परामर्श जो है वह लेना चाहिए। फोर्थ नंबर पर है श्रवण बाधिता बालक, यानी कि सुनने में जिनको कठिनाई महसूस होती हो ऐसे बालक, तो ऐसे बालक जो हैं वह भी विशेष बालक की श्रेणी में ही आते हैं। स्ट्रेंज कहते हैं कि जिन बालकों में जन्म से ही श्रवण शक्ति का ह्रास हो तो वह बधिर या बहरे कहलाते हैं। ठीक है, तो बहरे कौन होते हैं? जिनकी श्रवण शक्ति जो है वही भी समाप्त हो गई है। मंद कर्ण वे बालक कहलाते हैं जो या तो जन्म से या बाद में कम सुनते हैं। तो स्ट्रेंज ने यहाँ पर श्रवण बाधित बालक जो है दो टाइप के बताए, एक तो वो जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता है, जिनकी श्रवण शक्ति ही जो है क्या हो गई है, समाप्त हो चुकी है जन्म से ही। दूसरे ऐसे बालक जो कि कम सुनते हैं। उसके बाद देखिए श्रवण बाधिता के प्रकार, तो देखिए सुनने की जो शक्ति होती है तो उसको हम किसमें मापते हैं, तो उसके लिए जो इकाई है वो होती है डेसिबल और हर्ट्ज। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है जो कि 100 डेसीबल तक सुन सकता है, सुनने की जो उसकी जो शक्ति है वह कितनी है, 100 डेसीबल। ठीक है, और वो व्यक्ति जो है यदि 20 से 30 डेसीबल कम सुन रहा है तो मंद हानि वाला बालक वो कहलाएगा, उसे दूर की सुनने में कठिनाई होगी। ठीक है, और वहीं पर यदि 100 में से जो है 30 से 40 डेसीबल वो कम सुन रहा है तो वह सीमांत हानि वाला बालक कहलाएगा, और सामान्य दूरी से ही उसको सुनने में प्रॉब्लम आएगी। 40 से 60 डेसीबल यदि वो कम सुन रहा है 100 में से, तो वो मध्यम हानि वाला बालक कहलाएगा, और श्रवण यंत्र की सहायता से वो सुनेगा। ठीक है, जो मशीन होती है सुनने वाली, तो उसको वो प्रयोग में लानी होगी। 60 से 75 डेसीबल यदि वो कम सुनता है तो ये अत्यधिक हानि वाला बालक जो है ये कहलाएगा, और यहाँ पर एजुकेशन जो है वहां पर इसको प्रॉब्लम आएगी। 70 से 90 डेसीबल यदि वो कम सुनता है तो उच्च हानि वाला बालक कहलाएगा, और यहाँ पर इसकी वाणी और भाषा ये दोनों ही दोषपूर्ण होगी। ठीक है, कानों से तो इसको कम सुनाई ही देगा, इसके साथ साथ जो है इसको बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, और इसकी जो भाषा है उसमें भी समस्या होगी। तो ये प्रकार है श्रवण बाधिता के, जिनको आप अच्छे से जो है याद कर लेना, कि मंद हानि वाले बालक वो होते हैं जो कि दूर की सुनते हो, सीमांत हानि वाले बालक जिनको सामान्य दूरी से कम सुनता हो, मध्यम हानि वाले बालक जिनको मशीनों की जरूरत पड़ती है, अत्यधिक हानि वाले बालक जो कि एजुकेशन में यहाँ पर इनको प्रॉब्लम आती है, और उच्च हानि वाले बालक जो होते हैं जिनकी भाषा, श्रवण शक्ति और वाणी ये दोषपूर्ण होती है। तो ऐसे बालकों के लिए जो है हम शिक्षा में क्या योगदान कर सकते हैं, कैसे प्रयास कर सकते हैं? तो देखिए शैक्षिक प्रयास है कि क्लास में जो है इनको आगे बिठाया जाए। क्यों? क्योंकि जो है सुनने में इनको प्रॉब्लम है, तो यदि आगे बिठाएंगे तो ये समस्या जो है वो कुछ हद तक कम हो सकती है। दृश्य सामग्री का हम प्रयोग कर सकते हैं, यदि कोई बालक ऐसा है जिसको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता हो
तो उसके लिए जो है ऐसी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए अध्यापक को जो कि दिखाई दे और देखकर वो बच्चा जो है बहुत अच्छे से ज्ञान ले सके। प्रशिक्षित अध्यापक जो हैं उनको लगाना चाहिए जो कि ऐसे बालकों को हैंडल कर सकें, और हो सके ओष्ठ पठन जो है उसमें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विशेष विद्यालय जो हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन देखिए अंत में यही कहूंगी कि ऐसे बालक जो है इनको अलग से जो है विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इनको सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, हर्ट्ज जो है आवर्ती की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। फिर देखिए विकलांगता के क्या कारण हो सकते हैं, आनुवांशिक कारण यानी वंशानुक्रम के कारण भी जो है वो बच्चा विकलांग हो सकता है। हो सकता है कि माता पिता जो हैं उनको ही अच्छे से दिखाई नहीं देता हो, तो ये जो प्रॉब्लम है बच्चे में हो सकता है सुनने में जो है वह प्रॉब्लम हो, तो ये कारण जो है वह आनुवांशिक कारण कहलाते हैं। देर से बच्चा पैदा होना यानी कि 9 महीने लगते हैं एक बच्चे को पैदा होने के लिए, लेकिन कोई बच्चा जो है किन्हीं कारणों की वजह से 9.5 महीने या 10 महीने 10.5 महीने में जो है वह पैदा हुआ है, तो ऐसे बच्चा जो है उसमें कुछ ना कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो कि आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुपोषित माता या बच्चे से यानी कि जो माता है वह कुपोषित है, तो ऐसा जो बच्चा पैदा होता है तो वो विकलांग पैदा होता है। गर्भवती माँ का नशे का प्रयोग करना, दवाइयों का प्रयोग करना, कई जो माताएं होती हैं जिनको आदत होती है नशा करना, तो जब उनके पेट में जो बच्चा होता है तो उस वक्त भी यदि वो नशा करती हैं तो इस वजह से भी बच्चा जो पैदा होगा तो वो विकलांग ही होगा। फिफ्थ नंबर पर देखें, जन्म के समय चोट लगने से हो सकता है कि जो माता है उसको जो है चोट लग गई हो जब बच्चा जो है पेट में था, या जन्म के समय जो है चोट लगने के कारण से भी जो बच्चा है वो विकलांग हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग रिवीजन करिएगा, नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए गए हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। थैंक यू।